हेलो एवरीवन, दिस इज़ फातिमा इन योर वैलिड रेसिपी चैनल फातिमा कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ वीडियो अबाउट द मोस्ट फेमस डिज़र्ट, बनाना पुडिंग। दिस डिज़र्ट इज़ वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। फॉर दिस डिज़र्ट द मेन एंड बेसिक कुकी इज़ वनीला वेफर, विच वीडियो आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू एट यस्टरडे। Now I am explaining you the main ingredients step by step regarding pudding. Number one, the banana pudding. So banana is the main ingredient, and the second one is Nila wafers that I have shared yesterday, how to make the Nila wafers, and the third one is vanilla pudding. ठीक है। In vanilla pudding, the first step you have to take the milk in the saucepan and heat it on simmering point. Simmering point वो point होता है before boiling point के, जब हल्की हल्का से bubbles आ रहे होते हैं ना, this is called simmering point. तो milk को हमने simmering point तक heat देना है। और on the other hand आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैंने एक bowl में egg yolks ले ली हैं and beat it with the hand whisk. And also I have added the caster sugar. Caster sugar, दानेदार चीनी आप घर वाली जो है वो ऐड करें and beat it with the hand whisk. Simple जो whisk है आप उसके साथ whisk करते जाएं। उसके बाद मैंने cornflour डाल दिए और beat किया till it's become a creamy and smooth texture. जब ये प्रॉपर एक स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगी, आप देखेंगे कि प्रॉपर एक लाइटर इसका जो है वो कलर आना शुरू हो गया एग योक्स का विद कैस्टर शुगर प्लस कॉर्नफ्लोर। ये आप देख सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड द मिल्क इज़ रेडी ऑलमोस्ट ऑन सिमरिंग पॉइंट। ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट आई एडेड इन दिस बैटर एंड विस्क इट अगेन। जब ये प्रॉपर विस्क हो जाएगा जो थोड़ा सा पार्ट है, तो हम इसको इस बैटर को होल मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने हीट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि मैं अब ये जो सारा मिल्क है वो उसको उसमें ऐड कर दिया है और इसको स्पैचुला के साथ मिक्स किया है और अगेन इसको हम हीट देंगे और उस वक्त तक हीट देंगे, फाइनली उस वक्त तक उसको विस्क चलाते जाएंगे जब तक ये एक थिकनेस इसका बैटर की है वो जो थिकनेस है ना वो आ जाए। और ये साथ साथ हमने विस्क को चलाते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। ये ना हो कि वो पुडिंग जो है वो नीचे लग जाए, तो कंटिन्यूसली जो है वो हैंड विस्क के साथ आपने विस्क करते जाना है और इसकी हीट जो है वो आपने नॉर्मली हीट रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं हीट करनी। ये देखें अब बबलिंग पॉइंट्स में आना शुरू हो गया है और ये अचानक ही थिकनेस इसकी आना शुरू होती है, तो आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है अपने बैटर के ऊपर के प्रॉपर जो है ना इसको बस विस्क को चलाते जाना है। और ये फिर आप देख सकते हैं कि अभी मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ। ये अब ऑलमोस्ट थिकनेस इसकी आने वाली है और जब इसकी ऑलमोस्ट थिकनेस हो जाएगी तो हम इसको कूल डाउन कर लेंगे फ्रिज में ऑलमोस्ट 2 hours के लिए। जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो फिर इसका फर्दर जो है वो मैं स्टेप आपसे शेयर करूँगी कि क्या करनी है। आप देख रही हैं कि थिक होना शुरू हो रहा है। जब ये थिक होता है इसको ज़रा संभालना मुश्किल होता है फ़ौरन, इसको बस बहुत ही ज़्यादा आपने करते जाना है बीट विस्क के साथ। ये देखिए ना, एक कस्टर्ड की फॉर्म में आ गई, एक पुडिंग की फॉर्म में आ गई। इसको आप कस्टर्ड भी कह सकते हैं जो कि योक से रेडी कर सकते हैं हम और मिल्क के साथ। ये सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स, ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। मिल्क हो गया, एग हो गया, ये हमारा ऑलमोस्ट पुडिंग डन है और ये थिक कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। और इसको रैप करके, जो आपने रैप यूज़ करना है उसको हल्का सा वेट कर लें और उसको पूरे बैटर के अंदर जो हमारी पुडिंग है उसमें आप उसको रैप करके, ये मैंने उसको कूल डाउन रखने के लिए फ्रिज में रख देना ऑलमोस्ट 2 hours के लिए। जब ये चिल हो जाएगी, अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको टोटली कवर करके रखना है, इसको वैसे नहीं रख देना, ये फिर अजीब सी इसकी शेप आ जाएगी। जो टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ
ये टिप्स आपने फॉलो करनी है। और जो रेसिपी है मैंने साइड बाय साइड मेंशन करती जा रही हूँ, थोड़े स्टेप्स भी बता रही हूँ कि आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अवॉइड करना है। ये अब ठंडा हो गया है, अब मैंने इसको गेन विस्क करना शुरू किया है ताकि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। अगर हैंड से विस्क नहीं करना चाह रहे हो तो आप बीटर से इसको विस्क कर लें ताकि ये प्रॉपर एक कस्टर्ड क्रीमी शेप में आ जाए हमारे पास। और जब ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो हमने विपी विप की मैंने जो है वो विप्ड क्रीम ले ली है, और आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। नेस्ले इज़ ऑल्सो गुड, रिचीज़ इज़ वेरी गुड ब्रांड इन विप्ड क्रीम, एंड फ्रोस्टी इज़ ऑल्सो गुड। इस तरह काफ़ी ब्रांड्स हैं रिच विप क्रीम में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट विप क्रीम कर ली थी और उसकी जो पीक मैंने रखी थी विप क्रीम की वो सॉफ्ट पिक्स थी और मैंने सिर्फ उसको फोल्ड करना है उस पुडिंग के अंदर जो मैंने रेडी की है मिल्क से, एग से। अब ये ऑलमोस्ट डन हो गई हमारी पुडिंग, तो अब ये असेंबलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि मैंने जो पुडिंग रेडी की है उसकी फर्स्ट बेस आ जाएगी। मैंने ये एक शीशे का बाउल ले लिया है, आप जिसमें भी असेंबल करना चाहें आप ग्लास में कर सकते हैं। ये एक डिज़र्ट है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इजीली क्विक रेडी होने वाली है। इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल्स नहीं चाहिए और कोई हार्ड फास्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। बिस्किट बेसिकली जो मैंने इसमें कुकी यूज़ किया है, नीला वेफर्स यूज़ किए हैं, वो बेसिक ये बनाना पुडिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। मैंने आपसे शेयर किया था ना कल के मुझे किसी रेसिपी में चाहिए थे ये बिस्किट, तो मैंने फिर खुद बेक किए बनाए, ये मुझे नहीं मिले। वो बेसिकली ये बनाना पुडिंग ही थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब ये मैंने बेसिकली इसी के लिए बनाए थे तो फिर मैंने वीडियो शेयर की। ये बनाना पुडिंग बनती ही इन बिस्किट्स में है, अगर ये मार्केट में नहीं अवेलेबल आप खुद नहीं बना सकते तो आप कोई से भी जो वनीला बिस्किट्स हैं मार्केट में आप ले सकते हैं, आप उसकी एक लेयर डाल दें। जैसे मैंने पहले वो पुडिंग की एक बेस लगाई है, फिर मैंने नीला वेफर्स प्लस बनानास मैंने उसमें असेंबल कर दिए हैं, और साइड में भी मैं वो नीला वेफर्स लगा रही हूँ, और उसके बाद अगेन मैंने एक लेयर जो है वो पुडिंग की बनाना शुरू की है। और जब ये पुडिंग की एक लेयर अगेन बन जाएगी, आप पे अपना है कि आप कितनी लेयर्स उसकी कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग टू योर जो आप यूज़ कर रहे हैं बर्तन या जिसमें आप असेंबल कर रहे हैं वो उसके लिए क्या चाहिए। ठीक है, ये मैं बेसिकली असेंबलिंग इसमें कर रही हूँ, लेकिन जो है इसका जो तैयार है वो मैं जो एंड पे दिखाऊंगी फाइनल लुक, वो मैंने एक ग्लास हो सकता है बाउल में आप इसकी वो है असेंबलिंग जो है वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं, फाइनल लुक दिखा सकते हैं। बस ये मैं प्रॉपर असेंबलिंग जब हो जाएगी, तो असेंबलिंग होने के बाद आपने फ़ौरन नहीं इसको मतलब सर्व करना, आपने इसको चिल करना है ऑलमोस्ट 4 to 5 hours। जब ये बहुत ही अच्छी चिल हुई होगी तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप फ़ौरन कर लेंगे टेस्ट तो आएगा लेकिन वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये जो टिप्स हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कहाँ पे मैं चिल कर रही हूँ, कहाँ पे इसको आपने रेस्ट देना है और कहाँ पे इसको यूज़ करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। और रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल साइड बाय साइड इन द वीडियो, तो वीडियो को देखें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मोटिवेशन के लिए कमेंट कर दीजिए। और सो एनीवन इज़ न्यू इन दिस वीडियो सो वेलकम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये आप देख रहे हैं कि मैंने ना इसको चिल किया ऑलमोस्ट 1 hour किया, क्योंकि मैंने वीडियो में करना था तो इस वजह से, तो इतनी अच्छी नहीं हुई लेकिन ये नॉट बैड। तो ये अब मैंने स्कूप की फॉर्म में, मेरे पास स्कूप नहीं था तो मैंने उसकी शेप बना ली है एक स्पून के साथ ही। तो जब ये मैं गार्निश कर रही हूँ विद वनीला वेफर्स, उसका क्रस्ट भी डाल दी है और मैंने सारा वो उसके क्रंच भी डाल दिए, तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये लुक। अगर आपको लुक अच्छी लग रही है तो ये आप फाइनल लुक देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने में भी इतनी टेस्टी और सो यम्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने
फर्स्ट टाइम जब इसको ट्राई किया है तो बहुत ही अच्छी बनी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और लाइक करें, कमेंट करें और ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।